अब खबर भीलवाड़ा से है, जहां उपनगरपुर में जिंदल कंपनी की ओर से हो रही अवैध ब्लास्टिंग के विरोध में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट पर जमकर प्रदर्शन किया और इसी दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर राजेंद्र भट्ट को ज्ञापन सौंपकर 15 दिन में उचित कार्रवाई करने की मांग की है और साथ ही प्रदर्शनकारियों ने मांगे नहीं मानने पर भूख हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी। इससे पहले कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रामपाल शर्मा ने उपनगरपुर के हालातों का जायजा लिया था। बनी है वो संघर्ष समिति ने पिछले 7-8 माह से सभी जनप्रतिनिधियों से और प्रशासन ने से निवेदन किया था कि जो जिंदल का ब्लास्टिंग हो रहा है उससे लगभग 1000 मकान उसमें क्षतिग्रस्त होने जा रहे हैं, परंतु उसका आज तक सूद नहीं लिया किसी ने। मुझे कल पूर्व संघर्ष समिति ने बुलाया था, मैंने दौरा किया। दौरा करने के बाद जो चीज़ सामने आई वो एक गंभीरता का सब्जेक्ट है और वो 1000 मकानों में से लगभग 100 लोग दूसरे मकानों में किराए में जाकर रहने लग गए हैं और जिंदल ने पिछले 8 साल से जो MOU किया है उस MOU के अनुरूप भीलवाड़ा शहर में या उसके आसपास के जितने भी गांव हैं उनमें वो MOU के रूप में काम नहीं कर रहा है और न ही लोगों को राहत दी जा रही। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।